मेरे दोस्तों को बधाई। यह खूबसूरत दिल्ली का नक्शा है। परंपरागत रूप से 7 शहर दिल्ली के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। सबसे पुराना इंद्रप्रस्थ। संस्कृत महाकाव्य महाभारत 400 BC से 200 CE तक की रचना, लेकिन पहले के समय का वर्णन करते हुए में एक साहित्यिक विवरण का हिस्सा है, जो यमुना नदी के तट पर एक शहर को स्थित करता है। कला इतिहासकार कैथरीन बी आशा के अनुसार महाभारत का स्थलाकृतिक विवरण दिल्ली सल्तनत के 14वीं शताब्दी ई, जबकि महाभारत आसपास के किलेबंदी के साथ एक खूबसूरती से सजाए गए शहर की बात करता है। खुदाई से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व की चित्रित भूरे रंग के मिट्टी के बर्तनों के असमान निष्कर्ष मिले हैं। एक निर्मित वातावरण का कोई संकेत नहीं है। बहुत कम किलेबंदी प्रकट नहीं हुई है। सबसे पुराने स्थापत्य अवशेष मौर्य काल सी 300 BC के हैं। 1966 में श्रीनिवासपुरी के पास मौर्य सम्राट अशोक 273-235 BC का एक शिलालेख खोजा गया था। दिल्ली में कई बड़े शहरों के अवशेष मिलते हैं। इनमें से पहला वर्तमान दिल्ली के दक्षिणी भाग में था। तोमर वंश के राजा अनंग पाल ने 1052 में लाल कोट और कई मंदिरों का निर्माण करवाया। विग्रहराज चौहान ने 12वीं शताब्दी के मध्य में लाल कोट पर विजय प्राप्त की और इसका नाम किला राय पिथौरा रखा। कुतुब मीनार दिल्ली। मुझे माफ कीजिए, अगर आप दिल्ली से प्यार करते हैं तो कमेंट करें। जारी है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में पराजित किया था। कुतुब उद्दीन ऐबक को भारत के विजित क्षेत्रों पर शासन करने की जिम्मेदारी दी गई, जब तक कि गोरी अपनी राजधानी घोर में वापस नहीं आ गया। जब 1206 में गोरी बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गया, कुतुबुद्दीन ने गोरी की भारतीय संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया और दिल्ली सल्तनत और मामलुक वंश की नींव रखी। उन्होंने कुतुब मीनार और कुव्वत अल इस्लाम इस्लाम की ताकत मस्जिद का निर्माण शुरू किया, जो भारत की सबसे पुरानी मौजूदा मस्जिद थी। यह उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश 1211-1236 था, जिसने उत्तरी भारत की तुर्क विजय को मजबूत किया। 72.5 मीटर पर दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार। 13वीं शताब्दी में सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान पूरी हुई थी। यद्यपि इसकी शैली में जरकुर्बन मीनार के साथ कुछ समानताएं हैं, यह मध्य एशिया के गजनवीद और घुरिद मीनारों से अधिक निकटता से संबंधित है। इल्तुतमिश की बेटी रजिया पूर्व की मृत्यु पर दिल्ली की सुल्ताना बन गई। अगले 300 वर्षों तक दिल्ली पर तुर्क और एक अफगान लोधी वंश के उत्तराधिकार का शासन था। उन्होंने कई किले और टाउनशिप बनाए, जो दिल्ली के 7 शहरों का हिस्सा हैं। इस काल में दिल्ली सूफी मत का प्रमुख केंद्र था। मामलुक सल्तनत दिल्ली को 1290 में जलाल उद दीन फिरोज खिलजी 1290-1320 द्वारा उखाड़ फेंका गया था। दूसरे खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी के तहत दिल्ली सल्तनत ने दक्कन में नर्मदा नदी के दक्षिण में अपना नियंत्रण बढ़ाया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गई। पूरे दक्कन को नियंत्रण में लाने के प्रयास में उसने अपनी राजधानी को मध्य भारत में महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि दिल्ली से दूर जाकर उसने उत्तर का नियंत्रण खो दिया और व्यवस्था बहाल करने के लिए दिल्ली लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दक्षिणी प्रांत तब टूट गए। फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 के शासनकाल के बाद के वर्षों में
दिल्ली सल्तनत ने अपने उत्तरी प्रांतों पर अपनी पकड़ तेजी से खोना शुरू कर दिया। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसे बर्खास्त कर दिया, जिसने 100,000 बंदी नागरिकों का नरसंहार किया। सैयद वंश 1414-1451 के तहत दिल्ली का पतन जारी रहा, जब तक कि सल्तनत दिल्ली और उसके भीतरी इलाकों में सिमट नहीं गई। अफगान लोदी वंश 1451-1526 के तहत दिल्ली सल्तनत ने एक बार फिर उत्तरी भारत पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए पंजाब और गंगा के मैदान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि वसूली अल्पकालिक थी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा 1526 में सल्तनत को नष्ट कर दिया गया था। अभी के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया सबसे अच्छे नक्शों के लिए और दिल्ली के प्यार के लिए सदस्यता ले। अलविदा।